ओके आज के समय कभी फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है कि नहीं पोकेमोन एनिमे के अंदर या फिर जो न्यू सीरीज आ रही पोकेमोन होराइजन में हमें आज के दिन देखने को मिलेगा कि नहीं, हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आने वाले एपिसोड में आज के दिन के साथ क्या क्या होने वाला है इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे भाई, तो वीडियो का पूरा एंड तक के देखना। तो जो लड़की है लिक जो कि कैंटो रीजन में पढ़ती है एक एकेडमी में, जहाँ से हमारा हीरो भी रहता है वहाँ पे, जिसका नाम है एस कचा। अगर लिको भी बिलोंग करती है जो यूनिवर्स है जो कि एस के साथ बिलोंग करता है यूनिवर्स, मतलब कि दोनों ही एक ही यूनिवर्स में रहते हैं, तो हमें एस के जो 100% देखने को मिलने वाला है इन फ्यूचर एनिमे के अंदर, क्योंकि अभी एस के जंग जनरी खत्म नहीं हुई है, बस न्यू प्रोटैगनिस्ट आ चुके हैं एनिमे के अंदर और एस के साथ मेन कैरेक्टर नहीं रहा, जिसका मतलब ये ही नहीं कि हमें एस के संग कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जब एम टू भी पोकेमोन मास्टर का एपिसोड 11 एंड हुआ तो हमें देखने को मिला था नेक्स्ट एंड न्यू बिगनिंग, जो कि जब भी एस के की सीरीज खत्म होती है तो हमें देखने को मिलता है वाला फ्रेम। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि हमें एस के देखने को मिलने वाले स्पेशल ओकेशन में, जब भी कोई न्यू सीरीज में कोई न्यू इवेंट आएगा तो हमें एस के देखने को मिल सकता है, जो कि उस आर्क को हाइप बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके बताना। अगर वीडियो को अभी तक से देखा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो और लाइक कर दो, क्योंकि हमें 10 के सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द करने हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो सब लोग। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली पोकेमोन होराइजन के ऊपर।